एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को y के ऊपर लिफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, जहाँ पे x होगा वहाँ पे पुट करेंगे हम साइन थीटा। अब यही पे हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, थीटा की वैल्यू निकल के आती है साइन इनवर्स x। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और x, x की जगह पे क्या पुट करेंगे साइन थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस, अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट टू। अब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रूट टू, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, साइन थीटा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में बचेगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन रूट टू। अब दोनों के अपॉन में रूट टू है तो इसको अलग अलग हम लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में ये बनेगा साइन थीटा इंटू वन बाई रूट टू प्लस कॉस थीटा इंटू वन बाई रूट टू। अब यहाँ पे फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए, तो साइन ए की जगह पे है साइन थीटा और वन बाई रूट टू, तो वन बाई रूट कॉस में होती है वैल्यू कॉस पाई बाई फोर प्लस कॉस ए, कॉस ए की जगह पे है कॉस थीटा और साइन में वन बाई रूट टू की वैल्यू होती है साइन पाई बाई फोर। अब ये बन के आया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाई फोर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाई फोर, तो ये बन के आया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी और a क्या है यहाँ पे थीटा प्लस और पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा b यहाँ पे पाई बाई फोर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब यहाँ से साइन इनवर्स और ये साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू बचेगा थीटा प्लस पाई बाई फोर। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू को अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस पाई बाई फोर। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो y का डिफ्रेंसिएशन होगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और पाई बाई फोर का डिफ्रेंसिएशन बनेगा जीरो, तो आंसर आएगा वन अपॉन
अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को वाई की इक्वल लिख करते हैं, फिर हम पुट करेंगे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू भी यही निकाल लेंगे हम। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू हमारी आ गई है कॉस इनवर्स एक्स। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स, और एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे कॉस थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रूट टू। अब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट टू। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन रूट टू। अब रूट टू यहाँ पे दोनों के अपॉन में है, तो रूट टू को हम अलग अलग लिखेंगे, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा इंटू वन बाई रूट टू प्लस साइन थीटा इंटू वन बाई रूट टू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी। तो इसको जब फॉर्मूले को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा। कॉस ए है तो कॉस ए की जगह पे यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, और कॉस बी कॉस में वन बाई रूट टू की वैल्यू होती है कॉस फाइव बाई फोर प्लस साइन ए की जगह पे है साइन थीटा इंटू साइन में वन बाई रूट टू की वैल्यू होती है साइन फाइव बाई फोर की। वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बन के आ रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, और ए यहाँ पे क्या है थीटा माइनस बी क्या है यहाँ पे पाई बाई फोर। अब इस कॉस से ये कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा तो यहाँ पे बन के आएगा y इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई बाई फोर। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू को अप्लाई करेंगे, तो y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू थी कॉस इनवर्स x, तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स x माइनस पाई बाई फोर। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई फोर का डिफ्रेंसिएशन बनेगा जीरो, तो आंसर आएगा माइनस का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 20 को लिख कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू कुछ पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं टेन 2θ का फॉर्मूला क्या होता है। टेन 2θ इज इक्वल होता है 2tan θ अपॉन 1 - tan²θ। ये हमारा फॉर्मूला होता है टेन 2θ का। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में, इसको हम तोड़ सकते हैं 2 × 2x अपॉन 1 - 2x का होल स्क्वायर। हम इसको, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूले और इसको देखते हैं, फॉर्मूले को और क्वेश्चन को देखेंगे। 2 यहाँ पे है फॉर्मूले में और 2 यहाँ पे भी है। जहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 2x है वहाँ फॉर्मूले में है क्या टेन थीटा। 1 फॉर्मूले में भी है, माइनस का भी सिंबल है। अब जहाँ पे 2x का होल स्क्वायर है वहाँ हमारे फॉर्मूले में क्या है टेन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे 2x है वहाँ पे टेन थीटा को लेट करेंगे। लेट करते हैं हम, पुट करेंगे 2x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू निकल के आएगा टेन इनवर्स 2x। थीटा इज इक्वल टू निकल के आया टेन इनवर्स 2x। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट 2 को ऐसे ही नोट कर लेंगे, और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कुछ पुट किया है टेन थीटा। तो जहाँ पे 2x होगा वहाँ पे हम पुट करेंगे टेन थीटा। तो यहाँ पुट कर लेते हैं टेन थीटा अपॉन 1 - को ऐसे ही नोट करेंगे, और यहाँ पे भी है 2x का होल स्क्वायर। तो 2x इज इक्वल टू में पुट करना है टेन थीटा और स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये टेन 2θ का फॉर्मूला बन रहा। अभी हमने लिखा था टेन 2θ इज इक्वल टू 2tan θ अपॉन 1 - tan²θ। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है टेन 2θ का। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स और ये ब्रैकेट में टेन 2θ। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा y इज इक्वल टू 2θ। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी टेन इनवर्स 2x। जहाँ पे थीटा है वहाँ पे पुट करेंगे हम टेन इनवर्स 2x। तो y इज इक्वल टू 2tan inverse 2x। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y का डिफ्रेंसिएशन बनेगा dy/dx इज इक्वल टू 2 बाहर dx टेन इनवर्स 2x। अब 2x को हमने x माना था तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे dx 2x, 2 को बाहर कर लेते हैं और dx x। dy/dx इज इक्वल टू 2 बाहर, 2 को ऐसे ही नोट कर लेंगे और डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम किसका टेन इनवर्स 2x का। तो टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/(1+x²) और x² की जगह पे क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 1/(1+2x) का होल स्क्वायर। और फिर ये जब करेंगे यहाँ से 2x का डिफरेंशिएशन, 2 तो बाहर ऐसे हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 2। dy/dx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4/(1+4x²) आंसर।